आज हमारी एडोब प्रीमियर की जो है वो फर्स्ट क्लास है, ठीक है। एडोब प्रीमियर की क्लास से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक फिल्म किस तरह कंप्लीट की जाती है, कितने फेजेस होते हैं, तो उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस। और पहले, क्योंकि आप लोगों ने एडोब फोटोशॉप पढ़ा था, एडोब एलस्ट्रेटर पढ़ा था, ठीक है, बहुत सारे डिटेल में, तो अब एडोब का ही सॉफ्टवेयर है एडोब प्रीमियर, और उसी एडोब प्रीमियर के साथ ही हम लोगों ने एडोब आफ्टर इफेक्ट भी पढ़ना है। तो उससे पहले कि आज हम लोग वीडियो एडिटिंग किस तरह से पढ़ते हैं, वीडियो एडिटिंग करने के बाद हम कोई भी ड्रामा, कोई भी कमर्शियल, कोई भी वीडियो, ठीक है, फिल्म वगैरह किस तरह से बना सकते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले एक ड्रामा या एक फिल्म जब हम हैं तो वो कितने फेजेस से होकर गुजरता है। जैसे मिसाल के तौर पे आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो मेरी आवाज आप लोगों तक बहुत बैठी नहीं पहुंच रही होगी। लाइव क्लास चल रही है ना, आप कुछ भी टेलीविजन के ऊपर देख रहे होते, कोई भी लाइव न्यूज या कुछ भी, तो वो लाइव नहीं जा रही होती। वो क्या होती है, जैसे लाइव ब्रॉडकास्टिंग, जैसे न्यूज चैनल्स वगैरह पे 9 बजे की लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही, तो इसका मतलब ऐसा कि वो न्यूज एंकर 9 बजे ही स्टार्ट करती है, बल्कि क्या होता है वो खबरें स्टार्ट होती 8:50 पर, स्टूडियो में 8:50 पर स्टार्ट होता है, और लाइव ऑनियर जारी होती है 9 बजे। वो जो 10 मिनट का टाइम होता है, वो 10 मिनट का टाइम में जो न्यूज एंकर खबरें पढ़ने में जो गलतियां वलतियां होती है लाइव, उसको दूर, जैसे मिसाल के तौर पर अभी अगर मेरी क्लास में इतनी सारी वीडियोज हैं, तो बाज़ोकात मेरी बहुत सारी वीडियोस जो मैंने एलिस्ट्रेटर एडोब की रिकॉर्ड की हुई है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि मेरी आवाज कट कट के आ रही है, लेकिन जब मैं उसको फिनिश ऑन एयर आपके पास भेजूंगा, तो उसको बिल्कुल एडिट करके भेजूंगा। क्या करके भेजूंगा, एडिट करके। कोई फिल्म या ड्रामे देख रहे होते, तो एक ड्रामे को कई जगहों पर, डिफरेंट जगहों पर फिल्म में लोकेशन के ऊपर उसको पिक्चराइज किया जाता है, ठीक है, फिर वो तमाम सीन को जोड़कर एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाता है, जो ड्रामे की सूरत में या फिल्म की सूरत में आपके पास आ रहा होता है। तो उस चीज को, कोई भी फिल्म, कोई भी ड्रामे को स्टार्ट करने के लिए वो 3 फेसेस कौन से हैं, उसके बाद हम आज एडोब प्रीमियर पे आएंगे, क्योंकि हमने पढ़ना एडोब प्रीमियर ही है। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा होगा स्टेजेस ऑफ फिल्म मेकिंग, यानी फिल्म को बनाने के लिए कितने फेजेस से गुजरना पड़ता है, 3 फेजेस से। सबसे पहला होता है फेज प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन के अंदर होता क्या है, ठीक है, प्री प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले कोई भी फिल्म जब सबसे पहले बनाया जाता है, तो उसको स्क्रिप्ट लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, पहली चीज प्री प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है पहले देख लीजिए। कोई भी ड्रामा, कोई भी फिल्म, या कोई भी ऐसी शॉर्ट स्टोरी, या कोई भी आपका यूट्यूब चैनल आप लॉन्च कर रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा क्रेज यूट्यूब चैनल का, या शॉर्ट फिल्म जो ऑन ईयर आप बना रहे हैं, उससे पहले उसकी पूरी प्लानिंग ऑन पेपर, उस चीज को हम कहते हैं प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन का मतलब उसके ड्रामा है, उसकी सबसे पहले क्या की जाती है, स्क्रिप्टिंग तैयार की जाती है। क्या की जाती है, पूरा एक नावल लिखा जाता है, पूरी कहानी लिखी जाती है, कि फिल्म का नाम यह है, इसकी पूरी कहानी यह है। जैसे हमारा मीडिया डेवलपर ऐसा ही है ना, मीडिया डेवलपर एंड फिल्म मेकिंग, तो उसका पूरा एक आउटलाइन डिजाइन किया गया होगा, ऐसा ही है ना। तो वैसे ही हमारा सबसे पहले क्या लिखा गया था, स्क्रिप्ट, क्या लिखी गई थी फिल्म की, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बाद स्टोरी बोर्डिंग और हायरिंग ऑफ कास्टिंग, यानी स्टोरी लिख ली, स्टोरी लिखने के बाद कौन सी कैरेक्टर किस अदाकार को देना है, उसकी कास्टिंग होती है ना, कि भाई हीरो ये होगा, फिल्म में हीरोइन ये होगी, ऐसा ही होता है ना। तो फिर उसकी कास्टिंग, फिर स्टोरी बोर्डिंग का मतलब ये होता है कि स्टोरी बोर्डिंग का मतलब होता है प्लानिंग, कि हम इस काम को किस किस प्लानिंग के तहत करेंगे, और किस किस एक्टर को कौन कौन सी स्टोरी देंगे, कि भाई ये स्टोरी आपकी है, ये आपका कैरेक्टर है, आप याद करके डायरेक्ट सेट पे आ जाना, ताकि हम उसको पिक्चराइजेशन करवाएंगे। क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है, रिकॉर्ड करने में बहुत सारी जगहों पे गलतियां होती है, फिर उन गलतियों को कहां पे इनहेंस किया जाता है, खत्म किया जाता है, वो बताऊंगा।
उसके बाद आपके पास हायरिंग ऑफ कास्टिंग एंड क्रू, ये चीज। फिर ये जो लोकेशन है, ये जो फिल्म में किस किस जगहों पे शूट किया जाएगा, इसकी पूरी एक प्लानिंग होती है। लोकेशन डिफाइन किया जाता है कि ये यहाँ पे शूट होगा, यहाँ पे पहला शूट करना आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरी फिल्म है उसका बजट कितना है, उसकी बजट क्रिएट की जाती है। क्या कि भाई ये फिल्म तक बहुत 5 करोड़ में, 10 करोड़ में, 100 करोड़ में फिल्म बनेगी, तो पूरी बजटिंग होती है। बजटिंग के बाद शेड्यूलिंग होती है कि भाई इस फिल्म को हम कितने अरसे में कंप्लीट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हम कंप्लीट कर लेंगे। शेड्यूलिंग के बाद फिर आता है हमारे पास रिहर्सल। क्या चीज आती है रिहर्सल? रिहर्सल क्या चीज होती है कि हर हर बंदे को, हर एक्टर को उसकी बता, हम उसको उसका एक्ट्रेस का वो चार्ट दे देते हैं कि भाई आपका ये कैरेक्टर है, ये याद कर लेना। फिर उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं। क्या करते हैं हम? रिहर्सल, ठीक है। रिहर्सल करने के बाद फिर हम फाइनल पिक्चराइजेशन की तरफ जाते हैं ना। आप देख ले, कोई भी इवेंट जब हम करते हैं तो सबसे पहले उसका रिहर्सल होता है, नहीं? हर बंदे को पता होता है उसका कैरेक्टर क्या है, क्या कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के हिसाब से ही वो काम कर रहा होता है। तो ये तमाम चीजें कि पूरी प्लानिंग, बजटिंग, किस एक्टर को कौन सी चीज देनी है, वो तमाम चीजें किसके अंदर आ जाती है, प्री प्रोडक्शन के ऊपर। जब ये तमाम चीजें हो जाती है तो फिर हम आ जाते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। किसके ऊपर आ जाते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब कैमरा सेट कर लिया, हर लोकेशन पे जहां जाए कैमरा सेट कर लिया। सेट करने के बाद हम उस चीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। जाहिर सी बात है कि भाई इस जगह पर हमने ये गाना पिक्चर है, इसको शूट करके रिकॉर्ड करके रख लिया, इस जगह पे ये, तो डिफरेंट एरियाज के हमने सीन को रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिया। तो ये चीज किसके अंदर आ जाती है, ठीक है, कि अगर आप लोगों को मैं कैमरा लेकर बाहर भेज दूं कि भाई जाइए ये सीन को रिकॉर्ड करके ले आइए, ठीक है, आप वो रिकॉर्ड करके क्लिप लेकर आ जाती है, वो इमेज की सूरत में हो सकता है या वो वीडियो की सूरत में। सूरत में हम तस्वीरों को खींचते हैं, कंप्यूटर में लाते हैं, तो फोटोशॉप पे उस चीज को क्लियर कर रहे होते हैं ना कि भाई तस्वीर का फेस सही नहीं आया, उसको क्लियर कर दे। इसी तरह वीडियो एडिटिंग में क्या होता है कि डिफरेंट वीडियोज की अलग अलग क्लिप्स होती है, उनको फिर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो वो चीज किसके अंदर आ जाती है, प्रोडक्शन के अंदर। प्रोडक्शन में क्या क्या चीज आती है, ठीक है, ठीक है, फिल्मिंग आ जाती है, एक्टिंग आ जाती है आपकी, आपकी डायरेक्शन आ जाती है। डायरेक्शन का मतलब है इसको किस किस काम को किस तरह से करवाना है, ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद ठीक है साइनेमेटोग्राफी आ जाती है आपका, और साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह आ जाती है। यही तमाम चीजें हो जाती है ना, ऐसे ही होता है ना कि बाज औकात जैसे हम आप कर रहे हैं तो कैमरे में आपने वीडियोज वगैरह में फिल्मों में देखा आवाज बिल्कुल क्लियर होती है, तो हम उस चीज को रिकॉर्ड करके लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तमाम चीजें रिकॉर्ड करके। तो ये कैमरे से ये तमाम चीजें जो चीज रिकॉर्ड करके रखी जा रही है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद आ जाता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन का मतलब डिफरेंट जगहों पे चीजें रिकॉर्ड करके रखी हुई और अब उसमें कोई गलती है, उस गलती को खत्म करना है, तो उसके लिए हम लोग एडिटिंग काम का, वो फिर कौन करता है, एडिटिंग। इस पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज आ जाती है, आपको डिफरेंट वीडियोस को आपस में मिलाना है, उसमें जो गलतियां हैं गलतियां खत्म करनी है। इसके अलावा कलर करेक्शन है कि कलर्स वगैरह की करेक्शन। उसके बाद कलर ग्रेडिंग है। कलर ग्रेडिंग का मतलब एक बैकग्राउंड को दूसरे बैकग्राउंड से मिलाना, किस तरह, यानी एक वीडियो क्लिप को दूसरी वीडियो क्लिप से किस तरह से मिलाना है। ऑडियो मिक्सिंग, अगर ऑडियो सही नहीं आ रही है, हमने जहां पे इस चीज को पिक्चराइज किया था, जहां पे प्रोडक्शन में हमने उस चीज को रिकॉर्ड किया था, वहां आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो फिर क्या करें, उस अदाकार को दोबारा से वापस बुला के, कहते हैं ना आवाज बाद में वॉइस पे लिप्सिंग की जरूरत है। ठीक है, जब अभी अगर मैं खड़ा हूं आपके सामने, सपोज यहाँ पर अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस तरह, तो मैं जस्ट इस तरह से बोल रहा हूँ, इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ तो मतलब मेरा एक्ट तो जा रहा है ना आपके पास, क्या आ रहा है, मेरा एक्ट तो जा रहा है, वो चीज रिकॉर्ड हो गया। ठीक है भाई, तुम ये कर लो, वो कर लो, क्यों आ जा, जबरदस्त दुआ, लेकिन ये जस्ट हम एक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब फाइनल आप फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म में वो आवाज आ रही है, तो वो आवाज याद रखिएगा, जितनी भी प्रोफेशनल ड्रामे या फिल्में होती है, सबसे पहले उसकी सिर्फ ड्रामे की एक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी जो लिपसिंग
बाद में रिकॉर्डिंग की जाती है, और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको एडिटिंग के तौर पर सेट किया जाता है, ठीक है। वो तमाम चीजें किसके अंदर आ जाती है, पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर, क्लियर। इसी तरह ऑडियो मिक्सिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, कि म्यूजिक को सेट करना है, कि म्यूजिक में थोड़ा सा तेज आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद VFX, आपने देखा होगा ना बहुत सारी फिल्म में इफेक्ट। VFX का मतलब होता है वीडियो एडिटिंग, क्या होता है, इफेक्ट वगैरह आपका न डालना, ठीक है, क्लियर है यहां तक। क्या चीज VF का होता है वीडियो वीडियो फ्रेम, ठीक है, इफेक्ट्स कहलाता है, ठीक है। VFX शॉर्ट कट होता है इफेक्ट्स को कहते हैं, किसको कहते हैं, इफेक्ट्स को। क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा कि किसी भी ड्रामे को, फिल्म को बनाने के लिए हमारे पास कितने स्टेजेस होते हैं, आपके पास देयर आर 3 स्टेजेस। पहला क्या कहलाता है, जब जहां इसकी प्लानिंग होती है, बजटिंग होती है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, फिर उस चीज को रिकॉर्ड कराया जाता है, उसको क्या कहते हैं, कैमरा फिक्स कर दिया जाता है, और कैमरा फिक्स करके कैमरे पे रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन। और पोस्ट प्रोडक्शन क्या कहा जाता है, जब रिकॉर्ड होने के बाद उस चीज को फाइनल एडिटिंग किया जाता है, तो उस चीज पोस्ट प्रोडक्शन। हम लोगों ने क्या सीखना है, हम लोगों ने सीखना है एडिटिंग। क्या सीखना है हमने, एडिटिंग। एडोब प्रीमियर का जो सॉफ्टवेयर, जो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग इसके ऊपर एडिटिंग करना सीखेंगे डिफरेंट मूवीज को, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपनी एडोब प्रीमियर की तरफ, हम आते हैं इसके लेक्चर के ऊपर, आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। आई होप कि आज की समझ में आ रही होगी कि एक पूरी फिल्म या ड्रामे को किस तरह से बनाते हैं, कि 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं। अगर कोई भी किसी जगह अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है, छोड़ो सारी बातें, ये बताओ प्री प्रोडक्शन किसे कहते हैं, आप तो फंस जाओगे ना, यार सर ने बताया था प्री प्रोडक्शन, अच्छा पोस्ट प्रोडक्शन क्या चीज होती है, ठीक है, पोस्ट प्रोडक्शन को कहते हैं, बता दिया ना, प्रोडक्शन कैमरा लेके शूट कर रहे हैं लोकेशन, और प्री प्रोडक्शन जो चीज हम रिकॉर्ड करके लाए उसके अंदर जो मिस्टेक हो गई है, उस मिस्टेक को रिकवर करके बहुत सारे वीडियोस को आपस में ज्वाइन करने के बाद हमने एक फाइनल वीडियो जो आपको ऑन एयर जा रही है, नजर आ रही है। देखिए कोई भी चीज जब फाइनल एडिटिंग, फाइनल पिक्चराइजेशन होती है, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स आती है, आती है नहीं आती है, तो उन मिस्टेक को किस तरह से रिमूव किया जाएगा, उन मिस्टेक को रिमूव किया जाता है किस सॉफ्टवेयर के ऊपर, एडोब प्रीमियर पे, ठीक है, क्लियर हो गई बात। एडोब प्रीमियर के साथ हम एडिटिंग करते हैं। एडोब प्रीमियर 2 चीजों के लिए काम करता है, एडिटिंग के लिए और साउंड की मिक्सिंग, ठीक है, क्लियर। और इसका कोई काम भी नहीं है बाकी, इसके बरस जो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है एडोब आफ्टर इफेक्ट, उसमें हम अपने इफेक्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अपने इफेक्ट्स बनाते हैं, जिस तरह फोटोशॉप था ना हमारे पास, कि किसी भी पिक्चर्स में हम बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, पिक्चर क्लियर कर दे, अपनी मर्जी का कोई भी इफेक्ट डाल सकते थे, बिल्कुल आफ्टर इफेक्ट ऐसे ही है वीडियो में, कि अपना पर्सनल अगर इफेक्ट बनाना हो, अपनी कंपोजिशन करनी है। देखिए 2 चीजें होती है प्रीमियर में, एडिटिंग होती है, क्या होती है, एडिटिंग और साउंड मिक्सिंग होती है, क्लियर। बहुत सारी वीडियो को, बहुत सारे साउंड को मिक्स करके एक वीडियो क्रिएट कर दिया जाता है। इसके बरस एडोब आफ्टर इफेक्ट में 2 काम होता है, एक होती है मोशंस होती है, क्या होती है, एक वीडियो में मोशंस होती है। मोशन क्या चीज होती है, अक्सर आपने कोई पिक्चर है वो बड़ी हो गई, कोई टेक्स्ट है वो बड़ा हो गया, इंट्रो नीचे से इंट्रो ऊपर की तरफ आ रहा है, ये तमाम चीजें मोशंस कहलाती है, ये कहलाती है मोशन। और दूसरी चीज होती है कंपोजिशन, क्या चीज होती है आफ्टर इफेक्ट में, दूसरी कंपोजिशन, कंपोजिशन जहां पे हम अपना अपनी अलग से कोई इफेक्ट्स अपनी वीडियो में डाल देते, एक अपना अलग से कंपोजिशन बना के, जैसे होता है ना कोई भी फिल्म या ड्रामे, जैसे आपने अक्सर देखा होगा स्पाइडरमैन हवा में उड़ रहा होता है, लेकिन असल में वो हवा में नहीं उड़ रहा होता है, आपने देखा जब वो हवा में उड़ रहा होता है तो सामने से पंखा लगाया हुआ होता है बाल स्पीड में, तो सामने से फैन लगा हुआ होता है, या कोई हीरोइन डांस कर रही होती है तो उसके, लेकिन बैकग्राउंड बैक पे ग्रीन कलर का होता है, तो वो स्टूडियो में होता है, उसको इफेक्ट को मिलाया जाता है, ये कंपोजिशन की जितनी भी कंपोजिशन बनती है किसके ऊपर बनती है, आफ्टर इफेक्ट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले
इंट्रोडक्शन स्टेजेस एंड फेज ऑफ फिल्म मेकिंग ये आपको बता दिया। एडोब प्रीमियर के ऊपर सबसे पहले अब हम आ जाते हैं अपने उस चीज की तरफ जहां पर हम अब एडोब प्रीमियर की चीजों पे आ गए। अब हमें समझ में आ गया किस लिए यूज करते हैं। वीडियो की कटिंग, देखिए आप कोई भी वीडियो आपको मैंने दे दिया, आप उस वीडियो में कोई क्लिप काट के निकालना है तो वो आप आफ्टर इफेक्ट में नहीं कर सकते, किसके ऊपर कर सकते हैं, इफेक्ट एडोब प्रीमियर पे कर सकते हैं। उसमें अगर साउंड, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी मेरी साउंड अटक रही है, मैं चाहता हूँ ये साउंड कोई दूसरा साउंड मैं अपनी वीडियो के साथ अटैच कर दूं तो ये मैं कर सकता हूँ। ये मैं करना आपको बताऊंगा कि तमाम काम वीडियो एडिटिंग साउंड मिक्सिंग एडोब प्रीमियर पे। कम टू द पॉइंट स्टूडेंट, एडोब प्रीमियर पे आ गए हम, क्लास लूंगा मैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले एडोब प्रीमियर के बारे में इंट्रोडक्शन बताऊंगा, कुछ फिल्म मेकिंग वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है क्लियर। उसके बाद एडोब प्रीमियर को इंस्टॉल किस तरह से करते हैं, ठीक है वो इंशाल्लाह अब आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एडोब प्रीमियर व्हाट इज वीडियो, क्या लिखा हुआ है मैंने, व्हाट इज वीडियो, वीडियो क्या होता है, आंसर सिंपल सा, सीक्वेंस ऑफ फ्रेम, क्या होता है फ्रेम। जब भी हम अपने वीडियो से, अपने कैमरे से कोई भी एक क्लिप, एक सेकंड की क्लिप रिकॉर्ड करते हो तो उस एक सेकंड की क्लिप में कितने इमेजेस होते हैं, जो भी आप अपने कैमरे से, एनी टाइप्स ऑफ कैमरा, आप अपने मोबाइल कैमरे से कैमरे से, ठीक है, वन मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड, सुनिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और आप जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कैमरे से एक सेकंड में, यानी 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने वीडियो, यानी 1 सेकंड की वीडियो में ठीक है कितने इमेजेस होते हैं, 25, कितने होते हैं जी, कितने होते हैं 25 वन सेकंड। क्लियर हो गई बात, याद रखिएगा हमेशा, एनी प्रॉब्लम, आपकी जो 1 सेकंड आप जो वीडियो चलाते हैं ना, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फ्रेम है ना, एक सेकंड की, ठीक है, 60 सेकंड के बाद क्या बनता है, 1 मिनट बनता है, इसी तरह 25 सेकंड के बाद क्या बनता है, 25 फ्रेम के बाद 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर कितने इमेजेस होते हैं, 25 इमेजेस, यानी अभी अगर मैंने वीडियो बनाई तो कितने इमेजेस सेव हो गए एक फ्रेम में, सेकंड में 25। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। क्लियर है यहां तक। उसके बाद पुराने जमानों में एशियन कंट्री एंड मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान में एशियन कंट्री जो इंडिया वगैरह और जो मिडिल ईस्ट है हमारा, अरब हमारा, यहां पे हम लोग जो एडोब फोटोशॉप में ग्राफिक्स मोड था ना, जो हम प्रिंट मीडिया पढ़ रहे थे, एडोब फोटोशॉप में हम लोग काम करते थे पिक्सल्स के ऊपर, किसके ऊपर काम करते थे, और एलिस्ट्रेटर में करते थे हम लोग इंचेस के ऊपर। इसी तरह जब हम वीडियो कंपोजिशन करेंगे, वीडियो की सीक्वेंस बनाएंगे, वीडियो की एडिटिंग करेंगे, तो इसमें दो तरह के फेजेस होते हैं, जो अमेरिका वाले एक अलग फेज में काम करते हैं, और पाकिस्तान और एशियन किस फेज में काम करती है, पैल में, किसमें काम करती है, पैल में। पैल का पूरा मतलब क्या होता है, फेज अल्टरनेटिव लाइन, क्या कहलाती है, फेज अल्टरनेटिव लाइन, यानी पाकिस्तान में जितनी भी फिल्में बनती है, ड्रामे कमर्शियल्स वगैरह बनते हैं, वो कौन से मोड में बनते हैं, वीडियो की पैल में बनते हैं, किसमें बनते हैं, पैल में, जितनी भी वीडियो की कंपोजिशन, जितनी भी वीडियो बनती है, फिल्में बनती है पैल में, जो पाकिस्तान में, इंडिया में, एशियंस में, इसमें बनता है, इसके अलावा आपकी मुत्तहिदा अरब अमारात में, इसका पूरा एब्रिविएशन होता है फेज अल्टरनेटिव लाइन, ठीक है। इसका जो फ्रेम रेट होता है, इसकी जो 1 सेकंड की वीडियो में कितने फ्रेम पर सेकंड होते हैं, 25 फ्रेम, कितने होते हैं,
25, यानी एक सेकंड में 25 इमेजेस आ जाती है जो वीडियो रिकॉर्ड, क्लियर है यहां तक? करते हैं पहल में, जो पुराने थे जब हमारे पास कैमरा नहीं था, जब शुरू शुरू की वीडियो, जब हम लोग वीडियो बनाते थे तो उसकी रेजोल्यूशन कितनी थी, स्क्रीन के रेजोल्यूशन, ओल्ड मैंने लिख रखा है यहां देखें, ठीक है, यहां मैंने लिखा रखा पहल में ओल्ड ओल्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन ब्रॉडकास्ट डेफिनेशन रेजोल्यूशन साइज, यानी जो ओल्ड रेजोल्यूशन हुआ करती थी, जो आज से 20-25 साल पहले जो हम लोग कंपोजिशन स्क्रीन की होती थी उसकी साइज स्टैंडर्ड क्या होती थी, 570 उसकी विड्थ हुआ करती थी, यहाँ लिख हाइट, सॉरी 570 उसकी हाइट हुआ करती थी, और हुआ करती थी 720, ठीक है ना, यानी वीडियो वीडियो बहुत छोटी होती थी, वीडियो का जो साइज होता था, आपने देखा है ना जो पुराने जमाने में नोकिया की वीडियो से आप वीडियो बनाते थे तो उसकी रेजोल्यूशन छोटी होती थी, लेकिन आजकल तो हैवी हैवी मोबाइल्स आ रहे हैं मेगा, तो वीडियो रेजोल्यूशन बड़ी होती है। अच्छा नाउ अ डे, ठीक है, आज के दिन में यहां मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नाउ अ डे एचडी साइज स्टैंडर्ड, आज के दौर में हम लोग किसके ऊपर बात करते हैं, एचडी वीडियो, एचडी वीडियो की स्टैंडर्ड साइज कहां से स्टार्ट होती है, हाइट होती है और 1280 उसकी क्या होती है, पिक्सल्स होती है, एचडी आज के दौर में क्या होती है साइज, पिक्सल्स होती है उसकी हाइट में और 1280 क्या होती है उसकी विड्थ, क्लियर हो गई बात। अच्छा फुल एचडी वीडियो की बात करते हैं, अगर फुल एचडी जैसे कैनन का कैमरा या उससे अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करें तो फुल एचडी साइज वीडियो जो आजकल, अच्छा ये जो साइज है, अगर आपको यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे, किसके लिए बना रहे, यूट्यूब के लिए कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे, कोई अपनी वीडियो बना रहे, तो ये यूट्यूब की स्टैंडर्ड साइज होती है 720, उसकी हाइट होती है और क्या होती है 1280, ये सोशल मीडिया के लिए, किसके लिए, यूट्यूब के लिए, ठीक है, फेसबुक के लिए, क्लियर है, इसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड करके फिर हम उस पर चढ़ाते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है इसलिए, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरे टीवी के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, सिनेमा जो होता है ना बड़ा और नियर जाता है, तो उसके लिए फुल एचडी जो आप पाल पे आजकल जो साइज चल रहा है वो स्टैंडर्ड साइज क्या चल रहा है, 10 1080 उसकी हाइट होती है, लिख लीजिए, और उसकी विड्थ कितनी होती है 920, ये एक स्टैंडर्ड साइज की वीडियो क्लियर होती है आज की, चाहे कोई मूवीज बना रहे कोई फिल्म बना रहे, आज की दौर के हिसाब से आपकी 920 क्या होती है उसकी विड्थ और हाइट क्या होती है 10, याद रखिएगा, क्लियर है यहां तक। अच्छा उसके बाद यूएसए वगैरह यूरोप वगैरह में जो मोड यूज किया जाता है वीडियो के लिए कंपोजिशन के लिए, उसके लिए यूज किया जाता है एनटीसी, कौन सा मोड यूज किया जाता है, एनटीसी, एनटीसी का मतलब क्या होता है, नेशनल टेलीविजन सिस्टम सोसाइटी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फ्रेम रेट क्या होते हैं, हॉलीवुड की जो मूवीज वगैरह आपने देखा होगा ना काफी फेयर आ रही होती है, वो हाई डेफिनेशन कैमरे वगैरह पे पिक्चराइजेशन, उसमें जो होता है एक सेकंड में कितने फ्रेम्स होते हैं, 30 फ्रेम पर सेकंड, कितने, एक सेकंड में 30, जबकि हम लोग किसके ऊपर एक सेकंड में कितने फ्रेम रेट पे काम करते हैं, 25 पर सेकंड। एनटीसी की जो ओल्ड साइज वीडियो की थी वो मैंने यहाँ लिखी हुई, और आजकल की जो स्टैंडर्ड वीडियो साइज है वो भी आपके सामने, क्लियर है। तो जब भी हम लोग कोई भी वीडियो की एडिटिंग करेंगे या वीडियो की कंपोजिशन करेंगे आफ्टर इफेक्ट पे, तो हमारा स्टैंडर्ड साइज क्या रहेगा, अगर कोई ऑन ईयर के लिए बना, किसी चैनल के लिए, किसी टीवी चैनल्स के लिए बना रहे हैं, तो साइज क्या रखेंगे, क्या रखेंगे हम लोग साइज, ये होगा साइज। और अगर यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग इसके लिए क्या रखेंगे, अगर यूट्यूब के लिए कोई वीडियो तो उसकी साइज ये रहेगी, क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहां तक आ गया एनटीसी हो गया, ठीक है, प्रैक्टिकल वीडियो साइट, ये खैर है। आफ्टर इफेक्ट के बारे में मैंने, आफ्टर इफेक्ट क्यों यूज करते हैं मैं थोड़ा सा बता दूं, देयर इज टू थिंग, दो चीजों की वजह से हम यूज करते हैं आफ्टर इफेक्ट, एक मोशन ग्राफिक्स के लिए, मोशन ग्राफिक्स बता दिया मैंने, और एक ये भी बता दिया आपको। अच्छा यहाँ पे एक चीज जो आप लोग अगर घर पे एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करना चाहें, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ देखिए हाउ टू इंस्टॉल इन एडोब प्रीमियर, ठीक है, एडोब प्रीमियर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, और
यहाँ पे इसकी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है लिख लीजिए, एडोब प्रीमियर की जो इंस्टॉलेशन के लिए वो मैं लिख रहा हूँ। कम अज कम आपका जो सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम की रिक्वायरमेंट, आपका जो प्रोसेसर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कोर आई, क्या होना चाहिए, कोर आई थ्री कम अज कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोर आई थ्री चाहिए, कोर आई थ्री कितना मीठा, इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, हार्ड डिस्क कम अज कम, सिस्टम में हार्ड डिस्क कम अज कम लगी हुई 3 GB, कितनी की 300 GB से अबव। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होना चाहिए, आपका विंडोज 10। क्लियर, वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर लगी हुई होनी चाहिए, वीडियो कार्ड जिसको वीडियो ग्राफिक एडाप्टर या कार्ड्स आप कहते हैं, स्लैश कार्ड। कम कंप्यूटर में कितनी लगी हुई होनी चाहिए, 256 GB इसकी, और कंपनी कौन सी होनी चाहिए, एनवीडिया, इसकी एनवीडिया या कोडेक वालों की डेक। आपकी रैम कितनी होनी चाहिए सिस्टम में, रैम कम अज कम 4 GB आपकी रैम होगी, ये सिस्टम रिक्वायरमेंट होगी तो आपका एडोब आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा, अदरवाइज आपकी कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं होगा। आप इसको इंस्टॉल किस तरह से करेंगे, देखें अगर आप सीडी से नॉर्मल एक एडोब प्रीमियर अपने पर्सनल कंप्यूटर पे अगर आप सीडी से पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वो काफी टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, डाउनलोड होने में। मैंने ये पोर्टेबल लिंक मैंने अपने गूगल पे वो आपको बता देना, आपने कुछ नहीं करना है, ये फाइल मैं आपसे आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इस लिंक को क्लियर कॉपी करना है। किस तरह से डाउनलोड करेंगे बता देता हूँ, राइट क्लिक कॉपी, आपने इस लिंक को कॉपी करना है और यहाँ से अपने यहाँ पर आना है और आकर इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना है। मैंने गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है, देख लीजिए अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर, ये घर पे आपके लिए, आपने इस लिंक को मैं आपसे शेयर कर लूंगा, ये आप कहीं पे भी आप सर्च कर ले आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत टाइम के बाद ये डाउनलोड होगा, इसको डाउनलोड होने दीजिए। यहां तक जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यहां देखें क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट प्रीव्यू, क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है डाउनलोड, कोई बात नहीं, उस मेमोरी को बढ़ा लीजिए, स्टैंड करवा लीजिए। ठीक है, अच्छा देख लीजिए डाउनलोड किस, यहां देख लीजिए डाउनलोड, मैडम प्लीज ये देख लीजिए डाउनलोड किस तरह से होगा, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट, ठीक है, ये डाउनलोड किस तरह पर क्लिक करना है, जस्ट ये देखिए, क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे। ठीक है, अब ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होना शुरू। ठीक है, अब आप क्या पूछ रहे थे, नहीं, आपको मेमोरी बढ़ानी पड़ेगी, अगर आपको आफ्टर इफेक्ट सीखना है, तो आपको कम अज कम अपना सिस्टम ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, जी, हमारे पास जो एकेडमी में जो आपकी कंप्यूटर अवेलेबल है उसकी रिक्वायरमेंट यही है, आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे कोर आई 5 लगा हुआ है सारा, ये लैपटॉप मेरे पास जो है, ठीक है, कोर आई 5 या कोर आई 7 लैपटॉप है जिससे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, अभी आप चेक कर लीजिए अपनी अकेडमी में। इसको चेक करने का सिंपल तरीका, अगर आप अपनी सिस्टम को चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है अगर आप अपना सिस्टम चेक करना चाह रहे हैं तो वेरी सिंपल है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप अपने सिस्टम को चेक करना चाहते हैं तो आप विंडो और दबाइएगा, और विंडो और दबाने के बाद
आपने यहां पे आके सिंपल क्या रख देना है, डी एक्स डी आई एच इस डेक लिख दीजिएगा और यहां से यस कर दीजिएगा, क्या रख दीजिएगा, ठीक है। मैं दोबारा आने दीजिए, मैं दोबारा बताया, विंडो विंडो और दबाइएगा आप, ठीक है। विंडो और दबाने के बाद यहां पे आपने लिखना है डी एक्स डी आई ए जी, यहां से ओके कर देना है, क्या कर देना है, ओके, ठीक है। ओके करने के बाद, ठीक है, ओके करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले सिस्टम यहां देखिए प्रोसेसर पे देखिए इंटेल कोर आई कितना लिखा हुआ है, कोर आई क्या लिखा हुआ है, कोर आई 5, ठीक है। और मेमोरी कितनी लगी हुई है इसमें, यानी 400 MB 4 GB होती है, क्लियर, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर। डिस्प्ले देख लीजिएगा तो डिस्प्ले भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए डिस्प्ले भी बिल्टन लगी हुई है, तकरीबन 1.5 GB की, मतलब हमारे पास बिल्टन लगी हुई है, सही है, ओके फाइन, ठीक है। आप इसको डाउनलोड हो जाने दीजिए, ये डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। तो फिर इंस्टॉलेशन किस तरह से होती है वो बता देता हूँ, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन आप पूछे, क्या पूछ रहे, देख लीजिए इंस्टॉल करके देखिए, पहले ये बार इंस्टॉल करके देखिए, फिर आफ्टर इफेक्ट के लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट भी एक नॉर्मल सिस्टम पे हो जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बढ़े हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, ठीक है। अब अपनी क्लास को यहीं तक स्टॉप कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग को, ठीक है, बाकी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।